क्योंकि मेले में जो जिला पंचायत द्वारा ठेके दिए गए उसके अनुसार तैयारियाँ लगभग अंतिम दौर में हैं। जहाँ जहाँ समस्याएं आ रही हैं उनको पीछे लग के ठीक कराया जा रहा है। और जिस स्थल पर हम यहाँ बैठे हैं, भगवान शंकर का एक मूर्ति एक आर्टिस्ट आए हैं उड़ीसा से, उनके द्वारा निर्मित की जाएगी। और सामने एक स्टेज बनाया जा रहा है जिसमें भजन संध्या, कवि सम्मेलन जैसे दो तीन प्रोग्राम किए जाएंगे। जमीन आवंटन का मामला जिला पंचायत द्वारा ही देखा जा रहा है, इसको तो ज़्यादा स्पष्ट वो लोग ही बता सकते हैं, पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए अगर ऐसा हो रहा है। मूर्ति की ऊंचाई जो कलाकार हैं वो बता रहे हैं कि वो 8 फीट के करीब ऊंची बनेगी और 20 फीट लंबी बनेगी। समझता हूँ कल शाम तक, कल दोपहर तक इसको तैयार हो जाना चाहिए। जी मेरा नाम मानस कुमार साहू है। जी आप जो मूर्ति बना रहे हैं शिव जी की, इसके संबंध में बताएं। जी यहाँ पे पहली बार हम लोग आए हैं यहाँ पे बनाने के लिए, तो गंगा के किनारे पे बनाने के लिए सौभाग्य की बात हम लोग समझ रहे हैं। और यहाँ पे एक अनोखा चीज़ लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जैसे शिव जी का स्कल्पचर यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, तो हम लोग कैलाश पर्वत बनाएंगे, शिव जी का जो फेस है वो, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट वहाँ पे देंगे जो लोगों को अच्छा लगेगा। और इससे पहले भी मैं फाइनलिस्ट हूँ इंडियाज गॉट टैलेंट का, और नियर अबाउट 25 कंट्रीज़ में मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ इससे पहले। तो बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं ये सैंड आर्ट को देखने के लिए। सैंड आर्ट देखने के बाद लोग भी बहुत, क्योंकि ये एक यूनिक आर्ट फॉर्म है, लोग बहुत रेयर इसको देखते हैं, सो दैट अभी लोगों को यहाँ पे सैंड स्कल्पचर देखने के लिए मिलेगा। और बहुत मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छा लोगों का रिस्पांस रहेगा ये स्कल्पचर देखने के बाद। इस मूर्ति बनाने के लिए कितना खर्चा आ रहा है? वो तो जो यहाँ के अरेंज करते हैं वो सारे बता सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पे जो स्कल्पचर का साइज़ मैं बता सकता हूँ, मिनिमम 8 फीट का ये हाइट रहेगा और 20 फीट वाइड का ये स्कल्पचर रहेगा, और तकरीबन 12 घंटे हमें लगे, कंटिन्यूस हम लोग इसके ऊपर वर्क करेंगे, कार्विंग करेंगे। तो आप लोग कहाँ से आने के लिए? मैं उड़ीसा से आया हुआ हूँ और जगन्नाथ धाम पुरी से हमारा टीम आया हुआ है। कितने लोग बना रहे हैं इसको? मैं और मेरे दो स्टूडेंट्स मिलकर हम लोग ये बनाएंगे। इसमें क्या क्या मटेरियल होगा? ये सिर्फ सैंड एंड वाटर का मिक्सचर है, और इसी के साथ ही हम लोग सैंड एंड वाटर के साथ ही बनाएंगे। और इसमें कलर वगैरह जो आप? नहीं, हम लोग इसको नेचुरल रखने के लिए हम लोग, क्योंकि हम लोग लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये सैंड में भी बन सकता है। नॉर्मली अगर हम लोग कलर यूज़ करेंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि इसके पीछे क्या है, तो इसीलिए हम लोग कम्प्लीटली सैंड में बनाएंगे। और ये एक नया चीज़ होगा लोगों को देखने के लिए, और डेफिनेटली अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से।